Hey guys, back to KaiseGK. So guys, defense ki job lene wale ichchuk candidates ke liye bahut hi achhi khabar hai. Delhi police ne latest vacancy nikal di hai. To total jo vacancies hai wo hai 5846 vacancies hai. All India level pe vacancies hai. Aap kisi bhi state se belong karte ho, aap apply kar sakte hain. Important dates kya hai, kaise apply karna hai, fees kya rahegi, process kya rahega, sab kuch aapko in detail bataya jayega. Lekin usse pehle agar channel ko subscribe nahi kiye to jaldi se kar de taki important notifications aapko miss na kar paye. एंड साथ में शेयर जरूर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको इस वीडियो की आवश्यकता है. तो गाइस सबसे पहले वैकेंसी देख लेते हैं. इसमें कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की वैकेंसीज है. मेल की 3433 वैकेंसीज है, ठीक है. एक्सेसमैन की है 226. कांस्टेबल मेल एक्सेसमैन कमांडो इनकी जो वैकेंसी है वो 243. एंड कांस्टेबल फीमेल की बात करें तो 1944 वैकेंसीज हैं. कुल मिला के आपकी जो वैकेंसीज हैं वो हैं 5846 वैकेंसीज हैं. तो ये जो वैकेंसी निकाली है एसएससी के अंडर जो वैकेंसीज होगी सिलेक्शन आपकी एसएससी करवाएगी. ओके, तो ये वैकेंसीज हैं दिल्ली पुलिस में. इंपॉर्टेंट डेट्स जान लेते हैं. आज यानी कि 1 अगस्त 2020 से ऑनलाइन फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं. जी हाँ, आज अभी आप अप्लाई कर सकते हैं. कैसे आपको अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई, वो वीडियो भी जल्दी आपको मिल जाएगी. लास्ट डेट जो रहेगी वो रहेगी 7 सितंबर तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. फी जमा करवाने की लास्ट डेट है वो है 9 सितंबर 2020. उसके बाद लास्ट डेट अगर आप ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, फ़ी जमा करवाना चाहते हैं, तो उसकी 11 सितंबर 2020 लास्ट है. तो इसका एग्ज़ाम डेट भी पहले से अनाउंस हो चुकी है. 14 बारह 2020 तक भी आप इसका जो एग्ज़ाम होगा रिटर्न. तो अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट एज लिमिट के बारे में. तो एज लिमिट जो है 18 से 25 साल के बीच अगर आपकी एज है तो आप जनरल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं. अगर आपके पास कोई कैटेगरी है, फॉर एग्जांपल एससी एसटी ओबीसी स्पोर्ट्स पर्सन एक्सेसमैन, तो आपको जो रिलैक्सेशन मिलता है वो आप सभी को पता ही है. तो एज आपकी अगर आप जनरल हैं तो 2 जुलाई 1995 से लेकर 1 जुलाई 2002 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है. उसके बाद हम बात करते हैं इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो क्या रहेगी. तो क्वालिफिकेशन क्या रहेगी वो आपको बता रहा हूँ. तो गाइज अगर आपके पास बारहवीं है, आपके पास किसी भी स्ट्रीम में आप 12th पास हैं, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं. लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपके पास लाइसेंस चाहिए. लाइसेंस आपके पास होना चाहिए कौन सा, LMV मोटर साइकिल या फिर कार का. आपके पास LMV जो है वो आपके पास लाइसेंस जरूरी है. अगर आपको कार नहीं भी आती, मोटरसाइकिल का भी है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पर और लिखा हुआ है, ठीक है. तो पहले आपके पास लाइसेंस एंड 12th 12वीं आपके पास है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं. आप मेल हैं या फीमेल हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. लर्नर लाइसेंस के लिए अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल नहीं हैं. इन्होंने ये भी बताया है कि लाइसेंस आपके जो डेट है लाइसेंस की वो फिज़िकल टेस्ट से पहले पहले होनी चाहिए, ठीक है. फिज़िकल अगर आपके पास लाइसेंस नहीं भी है तो आप अप्लाई कर दें फार्म को, अप्लाई उसके बाद आप लाइसेंस के लिए भी अप्लाई कर दें. जब तक फिजिकल होगा उससे पहले पहले आपके पास लाइसेंस होना, इशू होना आपके पास ज़रूरी है. तो इसके बारे में अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट भी करके पूछ सकते हैं. अब बात करते हैं एनसीसी के, इसमें मार्क्स जुड़ेंगे रिटर्न में. अगर आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो 5% ऑफ द मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन आपको मिलेंगे. बी में 3%, एनसीसी ए में आपको 2% मिलेंगे, ठीक है. उसके बाद बात करते हैं कैसे आपको अप्लाई करना है. इसके लिए वीडियो जल्दी ही आपको बता दी जाएगी. फीस के बारे में बात करते हैं तो 100 फीस आया है जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए. बाकी जितने भी कैटेगरी हैं उनको फीस पे नहीं करनी पड़ेगी, बिल्कुल फ्री है, ठीक है. तो अब बात करते हैं सेंटर की. तो गाइज आप अपने अपने जे सेंटर दे सकते हैं अपनी अपनी स्टेट के हिसाब से. जैसे एसएससी एग्ज़ाम लेती है वैसे ही होगा, आपका एग्ज़ाम अपनी ही स्टेट में होगा, दूसरी स्टेट में नहीं जाना पड़ेगा और ना ही दिल्ली में जाना पड़ेगा, ठीक है. तो इसका प्रोसेस क्या है, इन शॉर्ट आपको प्रोसेस बता देता हूँ. दोबारा से एक वीडियो आएगी उसमें डिटेल वाइज बताया जाएगा. पहले आपका होगा रिटन एग्ज़ाम, उसके बाद होगा आपका फिजिकल टेस्ट, उसके बाद होगा आपका मेडिकल टेस्ट. तो जो तीन प्रोसेस है तीनों आपने फॉलो करने हैं. तो ये आपको डिटेल वाइज मैंने आपको बताना था वैकेंसीज के बारे में, ये बता दिया. आप जिस टॉपिक से वीडियो चाहते हैं वो कमेंट करके बताएं, आपको उसी टॉपिक पे वीडियो मिल जाएगी. ओके गाइज, आपने मुझे समझ लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच. वीडियो का इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, इसको डाउनलोड करके आप खुद भी पढ़ सकते हैं. आपने मुझे समझ लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच.